गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल कल्ली ब्लॉगिंग। टुडे विल यू गाइस ब्रांड न्यू वीडियो। और हाँ, मैंने छाता पकड़ी है, बस छाता को मैंने कैमरा बचेगा कैमरे के लिए निकाली हुई है ताकि कैमरा मेरा भीगे ना। और मैं हूँ आपके सामने एक और नए ब्लॉग के साथ। अभी मैं हूँ मैं हूँ अपने फ्रेंड मोटे के साथ, पंकू मोटे के साथ। तो अभी हम जा रहे हैं सौरभ जोशी से मिलने, तो बहुत एक्साइटेड है। मोटे पता कैसा है, तो एक्साइटेड है ना, जिसको काफी पूरे दिन हर इतने टाइम से देख रहे हैं और सुबह तो रोज ब्लॉग फेस टू फेस मिलने को मिलेगा उससे मिलने के लिए हम कुछ ज्यादा एक्साइटेड हैं। हाँ, तो अभी हम मिलते हैं। मोटा तो काफी दो तीन दिन से ढूंढ रहा है और बगल में घर के बगल में का घर यहाँ है और यहीं पे स्टे कर रहे हैं पीछे। तो हम अभी थोड़ी देर बाद उनसे मिलते हैं और डायरेक्ट वहीं पे आपसे बात करते हैं। सो गाइज, आई एम फाइनली विद सौरभ जो। अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच, हमें तो और भी ज्यादा अच्छा लगा। मोटे हाई बोल दे। हेलो, हाय। क्या मतलब ब्लॉगिंग के बारे में मतलब कुछ सजेशन देना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं ना सजेशन देते हैं। अभी मैंने मतलब 20 something वीडियोज़ है, सब्सक्राइबर भी कुछ ज़्यादा है नहीं, मतलब अदा अभी 900 something ही है। तो आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट करते हैं अरे यार तू ये कर वो कर ऐसे बना वीडियो ऐसे बना, लेकिन वीडियो बनाने में काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं ना, क्योंकि यार एडिटिंग तो बहुत ज़्यादा मेन होती है। तो आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? बस मैं तो ये कहूँगा कंसिस्टेंटली जो आपको पसंद है ना वो बनाते रहो, जैसे जैसे बनाते रहोगे खुद ही इम्प्रूवमेंट आता रहेगा। तो फिर हम लोग सोचते कि छोड़ो यार क्या करना है, नहीं बस कंसिस्टेंटली काम करते रहो, रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। ये वाइड एंगल लेंस, ये किट लेंस है ना? हाँ, ये किट लेंस है। मेरे पास भी यही कैमरा है। अच्छा, तो इसमें अगर वाइड एंगल लगाओगे ना, आप उससे 1080 फेस दिख रहे हैं ना, उसमें मतलब पूरा वाइड दिखेगा। मैं वही यूज करता हूँ। अब मैं तो जनरली आईफोन से करता हूं। अभी तो आईफोन ट्रैवल के टाइम पे आईफोन से ही करता हूं। और गोप्रो वैसे घर पे कर लेता हूं। और मैं आंटी जी भी काफी पसंद है, अंकल जी भी काफी पसंद है, पीयूष साहिल सब, और ये सादा आगे है और ये भाई यकीन नहीं हो रहा यार, सादा आगे है और ये सादा आगे वाली। और एक बार फिर से बोल दीजिए, सादा आगे वाली, सादा आगे वाली। हाँ, आपको पूरा को सारी घुमा सकते हैं आराम से, और हम भी अभी तो आप इसी लोकेशन में ना, यहाँ पे आप आओगे आगे वो कोसानी की मतलब बेस्ट लोकेशन मानी जाती है। आपको अगर 22 तो 2-3 मिनट मैं किसी मार सकते हैं। अच्छा, जो चीज़ और जो यहाँ पे जितनी स्पॉट है, आप पहले वाले होटल पे थे या भी बाइक है तो आप लोग तो अभी जाओगे नहीं ना, क्योंकि यार अभी तो जाना भी वैसे नहीं चाहिए, क्योंकि ना अभी मैं खुद आई तो वैसा लगा था अभी गिरता है पत्थर, अभी गिरता है पत्थर ऐसा लग रहा है। वैसे आप लोग जब थोड़ा सा बाइक सीखे तो अल्बोड़ा जा सकते थे, हल्द्वानी से जैसे आते वक्त किया था, रुक रुक के जाएंगे थोड़ा, एकदम से तो ज्यादा ट्रैवल ठीक नहीं है ना, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक तो क्योंकि ना ऐसा होता है मॉनसून 15 जून से मॉनसून भी स्टार्ट जाता, तो लैंड स्लाइडिंग में यार नॉर्मल नहीं आता, पता नहीं क्यों मार रहा है। हां, इधर नीचे वो रखे बहुत ज्यादा फेयरवे टूट रखे हैं। पीछे तेरे इंतजार में थे कोई मिल ले। हाय व्यूज, यार तो ले लो आपके साथ स्टार हो यार, खेत में थे बोर हो गया था क्या? यार दोनों दिन मैंने तो लोकी खाई है, कर रहा है ना? हाँ, मैंने बस चैनल है बट अभी शुरू करा है, कल्ली वैसे कहते हैं, कल्ली ब्लॉगिंग बोलो, कल्ली ब्लॉगिंग, कल्ली ब्लॉगिंग। हाँ, मेरी कल्ली कहते हैं ना, और ब्लॉगिंग को ब्लॉगिंग। तो हाय गाइस, मैं हूँ फाइनली पीयूष के साथ। पीयूष हाय, हाय बोल दो सबको। ये है भाई पीयूष जोशी, और सौरभ जोशी से मिल गए हम फाइनली। और एक इतना क्यूट है रियल में, वैसे तो क्यूट लगता है और रियल में और भी क्यूट लग रहा है। थैंक यू सो मच पीयूष। थैंक यू सो मच। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। सौरभ जोशी बगल में, उसको देख के बड़ी हंसी आती है। हाँ वैसे मैं अभी कभी कभार रहता हूँ, नहीं रूम लेके पे? ये खतियाड़ी में जो ग्राउंड नहीं है, हाँ उसी के एरिया में रहता हूँ।
स्कूलिंग तो हम मतलब यहीं से पता नहीं घर इसका भी नहीं है एक चीज़ बेकार है ना लैंडस्लाइड हो जाता कहीं भी आ, तो उस वजह से रस्तों का काफ़ी वो होगा हाँ हाँ काफ़ी हो रखे हैं अभी मैं हूँ इंडिया के टॉप नंबर वन ब्लॉगर के साथ और अभी वो इसी कमरे में और काफ़ी बातें कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और वी आर वेरी लकी हम उनसे मिल गए काफ़ी लोग मिलना चाहते हैं इस लाइक यार इतना बिल्कुल डाउन टू अर्थ से बिल्कुल नॉर्मल ऐसा लग रहा है जैसे अपने खुद के फ्रेंड हो तो बहुत अच्छा लग रहा है बातें करके इंटरेक्शन करके तो अभी अंदर ही है हम मतलब एक ये था विश लिस्ट थी ये भी पूरी होगी चेक होगी है सौरभ जोशी ब्लॉग्स लाइक नंबर वन इंडिया का ट्रेंडिंग पे हमेशा वीडियो 3 से 4 मिलियन मतलब व्यूज़ आते हैं पर्टिकुलर एंड अभी वो आज भी उत्तराखंड आया और कौसानी आया और कौसानी इज़ लाइक मिनी सिजनर अपना घर तो फीलिंग वेरी वेरी नाइस हाँ बारिश का तो भी तो ऐसी हुआ नहीं तो हम पता है हर साल 15-10 जून से पहले हम केदारनाथ धो आते हैं तब क्योंकि पता है कि इसके बाद फिर बारिश ही बारिश है तो 365 जो व्लॉग्स करे आपने उसमें सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा आपको जो पूरे साल भर में आपने व्लॉग करे मतलब मजा आता है हाँ कैसा एक्सपीरियंस लगा उस चीज़ का भी नहीं चलाया 365 कैसे बस थोड़ा सा बचे आपके लाइक ना 10,000 बचे शायद कल देखा मैंने 10,000 आगे हैं फ्लाइंग बीच शायद से आपसे बारिश रुकती है तो फिर आप घूमने का हो तो नहीं तो आना नहीं तो ऊपर का कौसानी दिखाएंगे आपको वहाँ से तो मेन आता है पूरा व्यू लेकिन अभी थोड़ा बादल लगे ना क्लाउड लगे 360 डिग्री पूरा हिमालय का व्यू आता है गादियासन से भी ऊपर आगे स्टेट बंगला तक गए नहीं रोड तो काफी आगे हो गई अब पूरा आगे वहाँ से नीचे वाली रोड कनेक्ट होगी ना तो इससे नीचे वाली रोड है वो कनेक्ट होगा एक दो सेकंड से भी मिलने का मौका मिलेगा और हम एक घंटा उनके साथ ही बैठे रहे और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है बट लग गया सौरभ के हाथ में तो अच्छा नहीं लग रहा बाकी अभी पीयूष का वेट कर रहे थे तो पीयूष भी आ चुका है और कितना वैसे भी दिखता भी वैसे भी क्यूट है वैसे दिखने में भी बहुत ज़्यादा क्यूट है तो कैसा लग रहा है मोटे बता सौरभ जोशी से काफ़ी ढेर सारी बात कर ली हमने उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा हमको और उनके कर्ली ब्लॉगिंग के ऊपर आप वैसे भी लेटर और ज़्यादा वीडियो उनके ब्लॉग में भी आए उन्होंने ब्लॉगिंग भी करी तो शायद हमें उनके ब्लॉग में भी आए लेना ले कोई बात नहीं लेकिन बहुत अच्छा लगा मिलके यार बहुत अच्छा लगा था अपने नॉर्मल फ्रेंड है सही है पारस ठक्काल भी था वहाँ पे उनके फ्रेंड भी थे पूरा प्लान बारिश के चक्कर में काफ़ी ख़त्म हो गया क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू 2-3 दिन से बारिश ही होने में लगी रुकी नहीं रही है और अभी भी बारिश हो रही है देखो अभी जस्ट ये पीछे होटल है तो उनसे वहाँ पे उनसे मिलके आ रहे हैं हम लोग और फिर बहुत अच्छा रहा तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में सो गाइज आई एम फाइनली विद पीयूष जोशी यकीन ही नहीं हो रहा सौरभ जोशी सॉरी यार मतलब इतनी एक्साइटेड हो रहा मतलब वो थोड़ा वो हो रहा है नहीं है मेरे मुंह से ना पीयूष निकल रहा पता नहीं क्यों निकल रहा है बट ये तो पता ही अच्छा लगा आपसे मिलके थैंक यू सो मच हमें तो और भी ज़्यादा अच्छा लगा